हेलो दोस्तों, अन्नपूर्णा की रसोई में आपका स्वागत है। और मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ मूंग दाल और चने की दाल का चीला। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी की है। हमने मूंग दाल और चने की दाल को रात को ही भिगो दिया था। ये फूलने के बाद ही एक छोटी कटोरी हुई है। और देखिए, दो प्याज हैं, दो हरी मिर्च है, तीन लहसुन की कलियाँ हैं। और ये मैंने धनिया का पेस्ट बना कर रख लिया, क्योंकि आजकल बहुत धनिया आती है तो ख़राब ना हो, इसलिए मैंने पेस्ट बना कर रख लिया। और मैं जहाँ जाती हूँ उसे यूज़ कर लेती हूँ। ये हमारे पास तेल है, और ये अजवाइन है थोड़ी सी, और ये जीरा है। पहले ये सारी चीज़ें हम डालकर इसमें लहसुन, मिर्ची और प्याज और धनिया डालकर पहले इसका पेस्ट तैयार करते हैं। मैंने इसमें सब कुछ बारीक काट कर डाल लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। तो चलिए इसे पीसते हैं। हम इसे बिल्कुल दरदरा नहीं पीसना है, हमें एकदम बारीक पीस कर तैयार करना है इसका पेस्ट। तो देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। आप भी इसमें पानी डालकर पीसें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और बिल्कुल अच्छे से फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे कटोरी में निकाल कर तैयार कर लिया। इसमें अजवाइन और जीरा डाला है, और इसमें नमक डालकर हम अपने चिल्ले बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा तवा गर्म हो चुका है, और अब हम इस पर थोड़ा तेल लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा तवा गर्म हो चुका है। तो देखिए किस तरह से हम इस पर बटर को डालेंगे, दो से तीन चम्मच डालेंगे, और फिर इसे अच्छे से हम फैलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हमें फैला दिया, कहीं से पतला और कहीं से मोटा नहीं है ये। अब इसे हम दो से तीन मिनट के लिए ढक देंगे। तो देखिए, हमने प्लेट हटा दी, एक मिनट के बाद ही आप हटा दें। और देखिए, हम इसे पलटेंगे। देखिए हमारा चीला कितना आसानी से पलट रहा है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको पलट दें, और देखिए कितना अच्छा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चीला कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, हमने इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लिया, और बहुत ही अच्छा बना ये। तो देखिए दोस्तों, हमारे चिल्ले कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, कहीं से भी बिल्कुल फटे नहीं, ना इनको कोई पलटने में दिक्कत हुई। और देखिए कितने अच्छे और कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे चाय, टमाटो सॉस और हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।